हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका SVM ऑनलाइन क्लासेस भद्राचल में। कैसे हो आप लोग? एंट्री पूरी करते हैं क्लास 11th साइंस बायो चैप्टर नंबर 6। पार्ट नंबर 9 11th साइंस बायोलॉजी का छठा चैप्टर हमारा चल रहा है। उसके 8 वीडियो या 8 पार्ट हमने बना लिए। उसका 9वां पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आंतरिक संरचना पढ़ते हैं। आंतरिक संरचना जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो दोनों प्रकार के प्लांट्स की पढ़नी पड़ेगी, डाइकोट और मोनोकोट की। तो सबसे पहले तो हम आंतरिक संरचना पढ़ेंगे जड़ की, उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्तंभ यानी तना, फिर पढ़ेंगे पर्ण। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जड़। जड़ पता है एंजियोस्पर्म में दो प्रकार की होती हैं, द्विबीजपत्री जड़ यानी डाइकोट, एक बीजपत्री जड़ यानी मोनोकोट। तो डाइकोट और मोनोकोट यानी द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री जड़ के बारे में पढ़ते हैं। कहने का मतलब जैसे कि इस पेन को एक जड़ मान लिया जाए और इसका यदि इस प्रकार से सेक्शन कटिंग किया जाए तो जड़ के अंदर के जो पार्ट हैं वो आपको कैसे कैसे दिखते हैं उसकी संरचना पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना। पहले डाइकोट लीफ के बारे में पढ़ते हैं कि डाइकोट जो स्टेम है उसकी आंतरिक संरचना कैसी होगी। डाइकोट रूट द्विबीजपत्री जड़ की संरचना पढ़ते हैं। द्विबीजपत्री जड़ के लिए कोई प्लांट लो, द्विबीजपत्री के लिए जैसे कि चना, सूर्यमुखी भी ले सकते हो, खेजड़ी है। इनकी तो जड़ें बड़ी मोटी होती हैं, इजीली मिलती नहीं है आपको, आसानी से जमीन की गहराई में होती हैं। चने की जड़ ले लीजिए, कोई भी एक डाइकोट, मूंग की जड़ ले लीजिए, मोठ की जड़ ले लीजिए, गवार की जड़ ले सकते हैं जो डाइकोट होता है। तो उसकी जड़ का सेक्शन कटिंग कैसे करते हैं? देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में या वीडियो की, इस क्लास में तो केवल ऐसे ही हो पढ़ाया जाए, बट जब आप ऑफलाइन क्लास में होते हो तो आपको जड़ भी बताई जाती है, जड़ होती है फिर उसको काट कर देखा जाता है प्रैक्टिकल की क्लास में। फिलहाल तो ऑनलाइन चल रही है तो उस हिसाब से एक बार समझने का ही प्रयास करो। ऑफलाइन जब क्लासें होती हैं तो बेशक आपको जड़ दिखाई जाती है, प्रैक्टिकल लैब में ले जाया जाता है, लैब में वहाँ आप ही के हाथों से सेक्शन कटिंग करवाई जाती है ताकि आपको पता चले कि वास्तव में जड़ के अंदर क्या भाग हैं। फिर उसको आप सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो कि हाँ एक्चुअल में इसके कितने कितने भाग होते हैं, जाइलम कैसे दिखता है, फ्लोएम कैसे दिखता है। फिलहाल हमें यहाँ पर केवल इमेजिन करना होगा। तो द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। डाइकोट जो लीफ, सॉरी लीफ का नाम आ रहा है बार बार, डाइकोट रूट द्विबीजपत्री जड़ की हम बात करेंगे। द्विबीजपत्री जड़ में कौन कौन से भाग आपको किस प्रकार नज़र आते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, डायग्राम भी बना देते हैं, डायग्राम भी बनाने हैं। लेकिन डायग्राम को बनाने से पहले कुछ भागों के नाम अपन लिख लेते हैं। सबसे पहली जो बाह्य त्वचा होती है, याद रखना बच्चों, तने में और पर्ण में बाह्य त्वचा होती है, जड़ में बाह्य त्वचा नहीं होती। बाह्य त्वचा ही होती है लेकिन उसे मूलीय त्वचा कहते हैं, मूल की होने के कारण। क्या कहते हैं उसे? मूलीय त्वचा कहते हैं, एपिब्लेमा। दूसरा जो पोर्शन होगा वो होगा वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। तीसरा भाग होगा अंतस्थ त्वचा यानी एंडोडर्मिस।
एंडोडर्मिस, और चौथा भाग होगा परिरम यानी पेरिसाइकल। ये नाम बार बार मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। फिर समनपुलीय क्षेत्र, वेस्कुलर बंडल, फिर मज्जा। कौन सा भाग किस अवस्था में होता है, हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए बच्चों, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। द्विबीजपत्री मूल का सेक्शन कटिंग बनाते हैं। सेक्शन कटिंग करने पर वो आपको कैसी दिखती है। पेन दो तीन प्रकार के हों तो बात बने, खैर कोई बात नहीं, ये किसी काम चला लेते हैं। साथ साथ में बनाओ, बनाने का प्रयास करो। डायग्राम जितने अच्छे बनते हैं बायो में उतने अच्छे नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं। बायो में डायग्राम बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहले बनाते जाइए, बाद में इनके नाम भी लिखते जाएंगे। एक ही पेन है क्या, दूसरा पेन नहीं यहाँ। थोड़ा सा पन्ने की वजह से उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बुक की सहायता से आप देख सकते हैं आसानी से साथ साथ में, और बनाते जाइए इसे। द्विबीजपत्री जड़ का आंतरिक भाग, सेक्शन कटिंग। किसी भी द्विबीजपत्री जड़ को काटेंगे सेक्शन कटिंग, फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको ऐसी सेल्स नज़र आती है। तो बेटा एक चीज़ आपको मैं बताऊं, आप ध्यान रखना, जो बीच वाला गोला है इस गोले के चारों साइड में ऐसा कैसा है, इधर इधर चारों साइड में ऐसा कैसा है। तो ऊपर जो मैंने चीज़ बनाई है इस गोले के, वो चारों ओर में है, तो बताओ इतने चारों ओर बनाएंगे तो कितना समय लगेगा। इसलिए बुक में भी शॉर्ट में बनाया होता है, और यहाँ पर भी अपने को इतना ही बनाना है।
डायग्राम को आप बुक से देखकर बनाना एक बार, फिर से समझ लेना वहीं से। मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से बनाना कैसे है, वो तरीका एक बार समझ लो भागों के नाम, ताकि हाथ से बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी सुंदर डायग्राम आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए जितनी भी भाग हैं इन सब में एक एक बिंदु लगाएंगे, यानी सब कोशिकाएं, ये सारी कोशिकाएं हैं और सब कोशिकाओं में अपना एक केंद्रक होता है। ठीक है ना बच्चों। तो अब ये देखो, ये जो सबसे बाहर वाला भाग है ये है इसकी मूलीय त्वचा, इसे क्या कहेंगे, इंग्लिश में भी नाम याद करना वो साथ में लिखे हुए, मूलीय त्वचा। और इस मूलीय त्वचा पर ये है मूल रोम। मूल रोम को कहते हैं रूट हेयर। ठीक है, और इसके नीचे क्या आता है आपको याद है, तो यहां से यहां तक का जो भाग है ये है वल्कुट, यानी कॉर्टेक्स। फिर ये जो नीले पेन से बनी हुई है ये है अंतस्थ त्वचा, मैं नाम सारे हिंदी में लिख रहा हूँ इसमें अंतस्थ त्वचा। इसके नीचे जो ब्लैक कलर का चक्कर है वो है आपका परिरंभ। ठीक है बच्चों, और ये जो ब्लैक कलर में है ये सारा का सारा है फ्लोएम। और ये नीले कलर में चार जो स्तंभ से हैं ये है जाइलम, बट इसमें ये बड़े आकार के जाइलम, ये छोटे जाइलम। कल मैंने आपको बताया था बड़े आकार के जाइलम को क्या कहते हैं, जैसे कि ये है बड़े आकार के जाइलम को मेटा जाइलम, और ये छोटे आकार के जाइलम है इसे प्रोटो जाइलम। सेंटर में ये केंद्र है, पिथ है। तो मोटा मोटी तौर पर ये डायग्राम आपका बन गया, द्विबीजपत्री जड़ या मूल का आंतरिक काट। तो यदि यहाँ से चलो पूरा दिख रहा है, या ऐसे करो इस डायग्राम को देखो एक बार बच्चों, पूरा दिखना चाहिए। चलो इसको ऐसे ही रखो। ठीक है ना, तो एक जड़ को ना जिस प्रकार से ये जड़ है इसको ऐसे काटेंगे, और काट कर इसका ऊपर से सेक्शन देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो ये द्विबीजपत्री जड़ है, उसका आंतरिक काट है डाइकोट जड़। अब यहाँ पर देखो कोशिकाओं के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में खाली जगह पड़ी है, तो इसे कहते हैं अंतरा कोशिक स्थल। अंतरा कोशिक स्थल, तो अंतराकोशिक स्थल वल्कुट की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी वल्कुट की कोशिकाओं के बीच खाली स्थान रहते हैं, उन्हीं खाली स्थान को हम क्या कहेंगे, अंतराकोशिक स्थल, पित्त, यानी पित्त कह दो, या हिंदी में लिखो तो मज्जा लिख सकते हो। याद रखना बच्चों एक बात, जड़ की बाह्य त्वचा नहीं मूलीय त्वचा होती है, एपिडर्मिस नहीं एपिब्लेमा कहेंगे उसे। ठीक है ना, सबके इंग्लिश नाम ऐसे ही डायग्राम को आप बुक से बनाइए, वरना ये है उसको देख लीजिए और एज इट इज सुंदर सा बनाने का प्रयास करना। तो द्विबीजपत्री जड़ ऐसी होती है। एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़ में अंतर होगा बच्चों, इसमें जो सवन पुल हैं ये एक दो तीन चार की संख्या में, दो से चार तक होते हैं, और उसमें एक बीजपत्री जड़ में इनकी संख्या चार से ज़्यादा होती है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब विशेषता देखो इसकी आगे वाली चीजों की। सबसे बाहर वाली क्या होती है, मूलीय त्वचा। क्या होती है, मूलीय त्वचा, ये रक्षात्मक आवरण का काम करती है। कई बार बाह्य त्वचा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कई बार बच्चों क्या है, ये मूलीय त्वचा है ना, ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कोर्टेक्स की ये कोशिकाएं मूलीय त्वचा का काम करती हैं। फिर उस कंडीशन में कोर्टेक्स के ऊपर वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं एक्जोडर्मिस। क्या कहेंगे उसे, एक्जोडर्मिस कहेंगे। तो बाह्य त्वचा या मूलीय त्वचा की कोशिकाएं कई बार जब नष्ट हो जाती हैं तो उस कंडीशन में वल्कुट की कुछ कोशिकाएं
बाह्य त्वचा या मूल त्वचा का काम करती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक्जोडर्मिस, EXODERMIS, एक्जोडर्मिस। जड़ की कोशिकाओं में कभी रंध्र नहीं होते, रंध्र और उपत्वचा नहीं होते जड़ों की कोशिकाओं में। ये चीज़ें साथ साथ में लिखो बेटा अच्छे से, जड़ों की कोशिकाओं में यानी द्विबीजपत्री जो जड़ होती है उस पर रंध्र नहीं होते, उपत्वचा भी नहीं होती, याद रखना ये बात। रंध्र तो किसी जड़ में नहीं होते और इसके ऊपर ये मूल रोम पाए जाते हैं पानी का अवशोषण करने के लिए, ये एक कोशी के ही होते हैं। तो मूली त्वचा पर एक कोशी किए मूल रोम पाए जाते हैं, मूली त्वचा पर एक कोशी किए मूल रोम पाए जाते हैं। दूसरा भाग क्या है, वलकुट। तो मूली त्वचा के नीचे का बड़ा क्षेत्र वलकुट का क्षेत्र कहलाता है, विशाल भाग है ये। वलकुट के क्षेत्र में अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं, यही भाग है जल का समन करने का काम करता है, लवणों को जल को मूल रोम खींच लेंगे वो यहाँ आ जाएगा तो आगे पहुँचाने का काम यही करते हैं। तो जल और खनिज लवणों का समन कौन करता है, वलकुट वाला भाग। ये मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है बच्चों। अगला भाग कौन सा आता है, अंतस्थ त्वचा यानी एंडोडर्मिस आती है। कल भी मैंने आपको बताया था एंडोडर्मिस में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एंडोडर्मिस में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, दो प्रकार की, याद है कल वाला। एक तो कैस्पेरियन पट्टी का और दूसरी मार्ग कोशिका यानी पैसेज सेल। कौन सी पानी को जाने देती है, कौन सी नहीं जाने देती। एंडोडर्मिस में कुछ कोशिकाएं पानी को नहीं जाने देती, उन्हें कैस्पेरियन पट्टी का या कैस्पेरियन कोशिकाएं कहते हैं, और जो कोशिका अपने अंदर से पानी को जाने देती है उसे क्या कहते हैं, मार्ग कोशिका। तो एंडोडर्मिस यानी अंतस्थ त्वचा में दो कोशिकाएं होती हैं, मार्ग कोशिका और ये कोशिका। परिरंभ, परिरंभ का अच्छा इंपॉर्टेंस है पेरिसाइकल का, यानी परिरंभ का। मैंने आपको बताया था कल या परसों की क्लास में कि परिरंभ से पार्श्व मूलें निकलती हैं। पार्श्व मूल का मतलब मुख्य जड़ से निकलने वाली जड़ें। एक मोटी जड़ है, इस जड़ से पतली पतली जड़ों की शाखाएं निकलती है ना जमीन के अंदर द्विबीजपत्री पादपों में, तो वो पार्श्व मूल लेटरल रूट कहते हैं उसे। वो किससे निकलती है, लेटरल रूट हमेशा पेरिसाइकल से निकलती है। कई बार बेटा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य मूल से पार्श्व मूलों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, परिरंभ की कोशिकाओं द्वारा होती है, याद करना ये भी अच्छे से लिखना। फिर मज्जा केंद्रीय भाग में होती है, छोटी होती है, पित्त द्विबीजपत्री पादपों में कुछ में तो नहीं होती। इसका मतलब केंद्रीय भाग खोखला है तो मज्जा है, केंद्रीय भाग भरा हुआ है खोखला नहीं है तो मज्जा नहीं है। अक्सर एक बीजपत्री पादपों में मज्जा होती है बड़ी, द्विबीजपत्री पादपों में मज्जा नहीं होती, बहुत कम प्लांट्स में आपको मिलेगी। इस प्रकार से बच्चों हमने क्या डिस्कशन किया है, क्लियरिफिकेशन किया है। हमें आंतरिक भागों की संरचना पढ़नी थी तो हम पहले जड़ की पढ़ना चाह रहे थे, फिर तने की पढ़ेंगे, फिर परण की। तो आज हमने जड़ के बारे में डिस्कस किया, पहले हमने जड़ के बारे में बाहरी लक्षणों के बारे में बात की थी इससे पहले वाले चैप्टर में कि जड़ कैसी होती है, दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, जितनी भी होती है, मूसला मूल, रेशेदार, अपस्तानिक मूलें किस प्रकार से रूपांतरण हो सकती हैं, रूपांतरित कर सकती हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, तने के बारे में भी किया, पत्तियों के बारे में भी किया, लेकिन वो उसके सब बाहरी लक्षण थे। अब हम उनकी आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, यानी आंतरिक संरचना का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, सॉरी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, या इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम क्या होता है, एनाटॉमी।
एनाटॉमी यानी आंतरिक अंगों का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन, यही हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो आंतरिक संरचना या एनाटॉमी के अध्ययन का नंबर आया तो सबसे पहले हम जड़ के बारे में पढ़ रहे थे, या इससे पहले हम उत्तक के बारे में पढ़कर आए, फिर उत्तक तंत्र के बारे में पढ़कर आए, अब हम जड़ की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, फिर तने की, फिर पत्तियों की। तो जड़ दो प्रकार की, डाइकोट और मोनोकोट, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री के बारे में पढ़ना था। आज हमने द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना पढ़ी कि डाइकोट की जड़ किसी भी पेड़ के यदि आप काटोगे तो आपको ये निम्न भाग नज़र आते हैं, मूलीय त्वचा है, वलकुट, अंतस्थ त्वचा, परिरम, समनपुल क्षेत्र, मज्जा, समनपुल क्षेत्र में क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, एधा भी बनती है। ये चीज़ें हमने क्लियर की हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है डायग्राम में, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको जो बताई है ना कि कौन सी चीज़ें क्या करती हैं वो तो है ही है, उसका डिस्कशन करना ही है, लेकिन डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना है। बुक पढ़िए मेरे पास में, मैं आपको बुक का डायग्राम भी शो करवाता हूँ कि देखिए बेटा ये तो अपना डायग्राम जो अपन ने बनाया है, बुक के डायग्राम को भी साथ में आप देखिए। ये रहा बुक का डायग्राम, जो डायग्राम बुक में बना है वो, और अपने वाला, बुक वाला ज़्यादा शानदार है क्योंकि हाथों से इतना अच्छा बन नहीं पाता, आपको बुक में देखकर अच्छे से बनाना है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो यदि बुक नहीं है तो, फिर इस चित्र को बनाओ अच्छे से, ठीक है ना। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ये द्विबीजपत्री जड़ का डायग्राम, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था वो द्विबीजपत्री जड़ का कंप्लीट मानते हैं। ये डायग्राम के नीचे क्या लिखो बेटा, द्विबीजपत्री मूल का TS, ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट। TS का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट, तो इसका जब हम TS काटते हैं किसी जड़ का तो वो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला नजर आता है। तो बच्चों आप इनको चित्र को एक बार दोबारा खुद के हाथों से बनाने का प्रयास करना, ये भागों के नाम लिखना, एक बार दो बार लिखोगे तो अच्छे से याद होंगे, इनको समझो। तो आज की क्लास में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे कल हम पढ़ते हैं एक बीजपत्री जड़ के बारे में, फिर तने के बारे में। तो चैप्टर 6 का पार्ट 9 कंप्लीट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।